कुछ लोगों के लिए ही होता है। वहाँ पे हम लोग लगभग हमारे बीच जो हम लोग थे गोल ट्राइब से ही लगभग 500 प्रतिभागी प्रत्येक वर्ष रहते हैं, और वहाँ पे यूथ लोगों को हम लोग एक सप्ताह वहाँ पे रख के ट्रेन करते हैं कि किस तरह से एजुकेशन का हो या फिर संस्कृति की बात होती है उसमें किस तरह से हम लोग समाज को जागरूक कर सकते हैं, सारी बातें होती है वहाँ पे। तो अभी जैसे समर कैंप के माध्यम से हमारे बीच विभिन्न खेल के क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल तक भी निकले हैं जो अभी वर्तमान में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है जैसे एजुकेशन के विषय में हम लोगों ने प्रत्येक गांव में किस तरह से एजुकेशन पहुंचाया जा सके इसके लिए हम लोगों ने अपने GSU के द्वारा इसको जारी किया था, शिक्षा आपके द्वार, जिसको हम लोगों ने गोंडवाना ग्रामीण विकास विद्यालय करके शुरू किया था और अभी भी कुछ गाँव में अभी भी चल रही है। उनके माध्यम से हमारे ही जो यूथ लोग हैं जो अधिक पढ़े लिखे हैं या फिर या कहें जो ग्रेजुएट के लोगों को बैठा के करीब 2 घंटे वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो उनसे भी एक माहौल जो है स्टूडेंट को पढ़ने का जो माहौल गांव में नहीं मिल पाता है वो मिल रहा है। और समस्या तो मैं बता ही दिया और विशेषकर इन समस्या क्योंकि अधिकतर हमारे पीछे ये समस्या दिखाई पड़ती है, तो मैं चाहूँगा हमारे आज के जो अतिथि हैं इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए अपने बातों को रखेंगे, और हमारे GSU की जो टीम सिमडेगा है उनके लिए अगर कोई विशेष सुझाव है तो उनको भी हमें बताने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बेसरा जी।